हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हेमंजन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो इंटरनेट में लीड जनरेशन का सबसे ज़्यादा मींस कस्टमर है और लीड जनरेशन करके देता है कस्टमर्स को इनके। और ये जो कंपनी है ये काफ़ी मींस मोमेंट वाली कंपनी है। कभी भी स्टॉक भाग जाता है 10-15%, कभी भी नीचे आ जाता है। लेकिन अब ये कंपनी बायबैक करने वाली है शेयर्स को, तो उसी के बारे में जानेंगे। और ये कंपनी है जस्टडायल की, जस्टडायल लिमिटेड। 571 के ऊपर चल रहा है, 52 वीक हाई 647 का है और लो 327 का है। और अगर एक साल का चार्ट देखेंगे तो अभी बीच में ये थोड़ा वॉलेटाइल रहा था और 400 के करीब आया था। और इसका जो हाई है, दो बार इसने हाई लगाया और अब थोड़ा हाई के ऊपर ही चल रहा है। और इसका अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी इस स्टॉक के अंदर बल्क डील्स, ब्लॉक डील्स हुई है। और इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 3849 का है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है। 2014 और 15 दो बार इसने डिविडेंड भी दिया है। और अब ये बायबैक ऑफर लाने वाला है तो उसका भी मैं आपको लेटर दिखा देता हूँ। उससे पहले इसके फाइनेंशियल्स क्या हैं वो हम जान लेंगे। तो आप देख सकते हैं 200 करोड़ का इसका टर्नओवर था मार्च क्वार्टर में, और जून क्वार्टर का अब आने वाला है। और इसकी जो बोर्ड की मीटिंग है वो 20 जुलाई को होने वाली है। तो उसी के अंदर जो है बायबैक ऑफ़र को भी प्रपोज करने वाले हैं। और दिसंबर क्वार्टर में 196 के करीब था, और इसका अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो लगभग 38.96 करोड़ के करीब है, पहले 28 करोड़ के करीब था। तो इसका मैं आपको जस्टडायल का लेटर दिखा देता हूँ। ये बीएससी की वेबसाइट से निकाला है। तो इनका जो 20 जुलाई फ्राइडे को बोर्ड की मीटिंग होने वाली है लगभग शाम को, और हैदराबाद में होने वाली है। और उसके अंदर क्या क्या होने वाले हैं वो बता देता हूँ। जो सबसे पहले हैं अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने वाले हैं। उसके बाद ये कंपनी जो एम्प्लॉयज स्टॉक देते हैं उनको भी, कुछ एम्प्लॉयज़ को ये स्टॉक देने वाले हैं अंदर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। और उसके बाद जो बायबैक होने वाला है उसके ऊपर प्रपोजल रखने वाले हैं बोर्ड की मीटिंग में। और उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग, 24th एनुअल जनरल मीटिंग कब रखनी है ये डिस्कशन सारे होने वाले हैं 20 जुलाई को। तो आज इसी के बारे में बताना था। और किसी ने जस्टडायल के स्टॉक को ले रखा है तो आप होल्ड कर सकते हैं, और यहाँ से ये जो स्टॉक है लगभग 600 के करीब जा सकता है। तो काफ़ी मूवमेंट वाला स्टॉक है, तो अगर किसी को लेना है, लोअर लेवल्स पे आता है लगभग 400 के अंदर तो काफ़ी बेहतर स्टॉक लगता है, 400 के करीब भी ठीक है। तो और ऊपर ये फिर से काफ़ी रफ्तार से जाता है, तो इस स्टॉक का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है, FNO वाला स्टॉक है। तो आज इसी के बारे में बताना था, बायबैक के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।